हेलो एवरी वेलकम बैक टू अं सरकारी सो कंटिन्यूइंग विद जी एस थ्री इकॉनमी सीरीज विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक फ्रॉम दिस वीडियो व्हिच इज़ ऑल अबाउट फॉरेन एक्सचेंज सो फॉरेन एक्सचेंज व्हाट डू वी मीन बाय इट सिंपली अगर हम स्टार्ट ही कर रहे हैं तो इट मीन्स फॉरन करेंसी सिंपली फॉरन करेंसी इसका मतलब फॉरन एक्सचेंज मतलब आप फॉरन करेंसी को एक्सचेंज करके इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हो तो जितने भी डिपॉजिट है क्रेडिट बैलेंसेज हैं विच आर इन एनी करेंसी एंड एनी ड्राफ्स ट्रैवलर चेक मतलब ये एग्जाम्पल्स हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया विच आर एक्सप्रेस ड्रॉन इन द इंडियन करेंसी बट दे आर पेबल इन एनी फॉरिन करेंसी तो वो फॉरन एक्सचेंज हम उसको सिंपली बोल सकते हैं सपोज वी आर इम्पोर्टिंग समथिंग एंड उसके लिए आपको Uh, suppose US Dollars में ही पे करना पड़ेगा ऑप्शन होल्डर इधर इन इंडियन करेंसी और दॉरन करेंसी और पार्टली इन पार्टली इन दर करेंसी फॉरन एक्सचेंज का पार्ट होगा फॉरक्स रिजर्व ये टर्म हमेशा न्यूज पेपर में बहुत ज्यादा सुनते हैं सो वॉट डू वी मीन बाई दिस इसके क्या कॉम्पोनेंट होते हैं इसमें चेंजेस होते हैं तो वो uh, एक कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में क्या बोलने की कोशिश करता है तो फॉरेक्स रिजर्व्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हमारे पास होने चाहिए उसका साइज कितना होना चाहिए एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए दैट ऑल्सो वेरीज डिपेंडिंग अपॉन की कंट्री डेवलपिंग है कि डेवलप्ड है तो दीज आर वाइटल टू द नेशंस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ तो ये जो कॉम्पोनट है मतलब हम बोल सकते हैं फॉरेक्स रिजर्व एक तरीके से बफर की तरह एक्ट करते हैं या एक तरीके से इकोनॉमिक सिक्योरिटी की तरफ एक इकोनॉमी एक को लेके चलते हैं तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं एंड इसके अलावा मेन जो इसके एलिमेंट्स हैं फॉरेन करेंसी एसेट्स गोल्ड रिजर्व्स पार्ट है स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो एस की हम बात करते हैं एंड द रिजर्व पोजिशन इन आई एम सो रोल ऑफ आर क्या है फॉरन एक्सचेंज में भी ऑफ हम न्यूज में भी एक न्यूज जो चल रही है कि आई uh, ने इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व और मतलब एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन मेथोडोलॉजी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस रेज करे हैं जिसमें सॉवरन डेट टू जीडीपी रेशियो की बात की गई है तो यहाँ पे आरबीआई का रोल जो है दैट इज टू सिंपली रेगुलेट द इश्यू ऑफ द बैंक नोट इंड कीपिंग ऑफ द रिजर्व तो ये जो रिजर्व हैं इनको आर बी आई मेनटेन करता है विद अ व्यू कि हमारी मोनिट्री स्टेबिलिटी बनी रहे एंड जो हमारा क्रेडिट सिस्टम है दैट ऑल्सो फंक्शंस एंड वी आर लाइक बेसिकली हैव अ मॉडर्न मोनिट्री पॉलिसी फ्रेमवर्क सो हैज टू मीट अगर सपोज कोई इकोनॉमिक चैलेंजेस हो जाते हैं आ, या सपोज अभी हमें जैसे देखने को मिल रहा है कि रुपीज़ डेप्रीशिएटिंग तो उस केस में जो हमारे पास डॉलर के रिजर्व है उसको आरबीआई मार्केट में रिलीज कर देता है सो so दैट रुपी और ज्यादा वीकन ना हो तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है फॉरेक्स का सो दैट इज टू अगेन मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ तो ग्रोथ से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है ऑब्जेक्टिव क्या है फॉरेन एक्सचेंज का रिस्टोर द बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वलियम विद हेल्प ऑफ फॉरन एक्सचेंज कंट्रोल एंड ये एक मेथड है स्टेट इंटरवेंशन का या अभी हमने जैसे बात करी आर बी आई इंटरवीन इन दॉरेक्स मार्केट प्रोटेक्ट द वैल्यू ऑफ नेशनल करेंसी वो एग्जाम्पल यूटिलाईज फॉर एसेंशियल बिल्डिंग अप द फॉरन एक्सचेंज रिजर्व अभी हमने फिर से देखा है कि अराउंड सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटीन बिलियन डॉलर इज द साइज ऑफ इंडिया वेरी यूज एंड स्टेबिलाईजेशन ऑफ एक्सचेंज रेट के लिए इम्पॉर्टेंट है फॉरक्स रिजर्व एंड रिस्ट्रिक्टिंग द करेंसी एक्सचेंज टू गवर्नमेंट अप्रूव एक्सचेंजर्स सो ये रेगुलेशन की यहाँ बात हो रही है एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है हमारे फॉरन एक्सचेंज का प्री इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड में तो एक्सचेंज कंट्रोल इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में अंडर द डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स इन 1939 थर्टी बेसिस पे बट ये इंट्रोडक्शन 1939 में हुआ देन जो स्टैटरी पावर एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा एक्ट 1947 आफ्टर दिस वी हैड द फेमा एक्ट ऑफ नाइनटीन तो वी कैन से फेमा इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ द फेरा एक्ट

द फोकस शिफ्टड कि हमें और भी करेंसी के रिज़र्व मतलब डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिजर्व हमारे पास होना इंपॉर्टेंट है सो so दैट जो फॉरन एक्सचेंज या जो एक्सचेंज रेट या जो करेंसी रिस्क होते हैं उसको हम और कम कर सकें एंड इन रिटर्न ऑफ द गारंटी स्टर्लिंग एरिया कंट्रीज जो थे देर टुक टू कीप अमम परसेंटेज ऑफ द टोटल ऑफिशियल एक्सटर्नल रिजर्व इन स्टर्लिंग जिसको हम बोलते थे मिनिमम स्टॉलिंग प्रपोर्शन तो ये फिक्स कर दिया एक फिक्स्ड परसेंटेज कि इतना परसेंटेज आपके फॉरेन एक्सटर्नल रिजर्व्स का स्टर्लिंग में होना चाहिए तो वो हो गया मिनिमम स्टर्लिंग प्रपोजिशन और प्रोपोर्शन एंड ये एक मैंडेटरी एस्पेक्ट था सो स्टर्लिंग एरिया अरेंजमेंट एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी जो डिटरमाइन होती थी दैट वाज इन टर्म्स ऑफ द बास्केट ऑफ करेंसीज बास्केट ऑफ करेंसीज का मतलब बहुत सारी करेंसीज इसका पार्ट थी बहुत सारी करेंसीज के बेसिस पे प्रॉपर जो मेथोडोलॉजी थी उस बेसिस पे एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ अ करेंसी डिसाइड होती थी अंटिल टू स्टेज ऑफ़ एक्सचेंज रेट इन तो बिफोर ये सिस्टम हम फॉलो कर रहे थे एंड स्टोलिंग एरिया अरेन्जमेंट ऑल एनविसेज की जो स्टोलिंग विद है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, सो अपार्ट फ्रॉम नॉन करेंसीज जो एक बास्केट ऑफ करेंसीज थी उसके अलावा अगर किसी कंट्री के पास और कोई डिफरेंट करेंसी है तो उस टाइम पे दिस वॉज द मैंडेट की जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट है उनके पास आप उस अमाउंट को डिपॉजिट कर दोगे देन फेरा एक्ट नाइनटीन की हम बात करें तो एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट वॉज मेड पर And it remained in force up till 1974. So, FEMA, it governs the foreign exchange control and RBI is its apex authority. Hai. So, the act, hai, it empowered the RBI. the main features of the FERA Act? Kya hai? Control and regulate the dealing in the foreign exchange payment outside the India. Export import of currency notes in the bullion. Bullion uh, is a term which we use for gold. Transfers of the securities between residents and non-residents and acquisition of foreign securities. So in sub-areas, my securities, it is not that if we are about the FARA Act, it has an exchange term. So it would be only restricted to exchange securities was also a part of it. And fera Act came in the backdrop of major inflationary pressures. just in the time period the Fair Act 1973

ऑफ़ फॉरेन एक्सचेंज मतलब उस टाइम पीरियड पे हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज लेवल्स है जैसा आज हम बात करते हैं सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटीन बिलियन डॉलर है उस टाइम पेर तो वॉज वेरी नेग्लिजेबल अमाउंट तो इस अमाउंट को हम कैसे और इंक्रीज कर सके उस चीज़ की बात की गई अंडर दो ये सारे इंडियन सिटीजन के ऊपर एप्लीकेबल है इवन वो आर रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया एंड टू द ब्रांचेज एंड एजेंसी जो इंडिया के बाहर है आउटसाइड इंडिया ऑफ कंपनीज या बॉडी कॉपरेट बट रजिस्टर्ड या इनकॉपरेट वो इंडिया में ही हुई है मतलब पेरेंट कंपनी उनकी इंडिया में ही है बट अगर उनकी ब्रांचेस आउटसाइड इंडिया है तो स्टिल फेरा एक्ट एप्लीकेबल होगा तो इट इज़ नॉट जस्ट विद इन द प्रमाइस ऑफ इंडिया एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन द फॉरन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस मतलब काउंटर फीट करेंसी नहीं होनी चाहिए ब्लैक मनी लॉन्डरिंग नहीं होनी चाहिए दैट वॉज ऑल्सोलेटेड बायलस्ट एंड मोस्ट एफिशियंट पैरल फॉर द फॉरन एक्सचेंज इन दर्ल्ड इज दवाला अन ऑफिशियल मार्केट बट डिस्पाइट दिस लॉ दैट वी हैड एंड द रेगुलेटरी मेजर्स दैट वी हैड एंड देर लाइक इम्प्लीमेंटेड उसके बाद भी सो के एक पैरल मार्केट फॉरेन एक्सचेंज की

मतलब विच इज डिटर्मन बाय आर बी आई एंड नो पर्सन अदर देन द ऑथोराइज डीलर वुड एंटर इन एनी ट्रांजेक्शन करेंसी सो ओनली ऑथोराइज डीलर्स के पास ये पावर है एंड इशूइंग डिरेक्शन टू द दाइज डीलर्स अदर एंटिटीज एंड देन फॉर वट एवर पर्पज फॉरन एक्सचेंज इट ऑट टू बी यूज ओनली फॉर दैट पर्पज जिस पर्पज के लिए आपने पैसा एक्सचेंज किया है सिर्फ आप उसी के लिए उसको यूज़ कर सकते हो and no person in india without the permission from rbi shall make the payments to a person resident outside india. so rbi permission ke bina aap payments foreign currency may be individual company purpose the permission of rbi is mandated in this context and no person shall draw or issue negotiate any bill of exchange in which a right to receive the payment outside india is created and no person shall have any credit

वहां से एग्जिट करना इंपॉर्टेंट हो गया जिन कंपनीज के होल्डिंग्स फोर्टी परसेंट इंडिया में सो वन ऑफ द फर्स्ट केसेस टू बी डिसाइडेड वाज दिस कोलगेट कोलगेट स्कैम हम सुनते हैं विद द पैनल सेइंग कि जो कंपनी इट मस्ट डाइल्यूट इट्स स्टेक फ्रॉम हंड्रेड परसेंट टू फोर्टी परसेंट एक्सेप्शन वर जो बैंकिंग और एयरलाइन सेक्टर में कंपनीज थी बस उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं था क्योंकि अगर वहां पर भी ऐसा हो तो अगेन इट वुड बी क्रिएटिंग अ सिचुएशन ऑफ रकस एंड इनस्टेबिलिटी तो स्टार्टिंग फ्राम द लेट सेवेंटीज एंड एटीज़ हमने देखा जो होम ग्रोन कंपनीज थी दे स्टार्टेड टैपिंग इन टू इंडियन कैपिटल मार्केट में दे स्टार्टेड एंटरिंग जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज वर वी अर्ली बिगिनर्स वी कैन से सो उन्होंने मार्केट में से फंड रेज किए लेटर वी हैव टेलको वी आई पी इंडस्ट्रीज रन बैक्सी एंड फॉलोड सो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं दिव्या यू कैन शेयर योर डाउट्स एंड आइडियाज ब्लैक इकोनॉमी uh, में से जैसे हवाला की बात करते हैं उसके अलावा आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा ब्लैक इकोनॉमी इसमें यही हुआ ना कि जब uh, हमें एक्चुअली वैल्यू पता लगने लगी फॉरेन एक्सचेंज की फॉरेन करेंसीज की और जैसे भी साइज इंक्रीज होता गया फॉरेन एक्सचेंज का उनकी इंपॉर्टेंस इंक्रीज होती गई ज्यादा से ज्यादा डिमांड होने लग गई इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की तो एक तरीके से ये ब्लैक इकोनमी में फंक्शन करने लग गया मतलब कि जो एक्चुअल एक्सचेंज रेट की मार्केट में वैल्यू होती थी उसे थोड़े सस्ते प्राइस पे आपको ब्लैक में वो करेंसी अवेलेबल होने लग गई तो उस तरीके से हमने बोला कि यहाँ पे हवाला और एक अनऑफिशियल मार्केट स्टार्टेड टू फंक्शन एंड ये पैसा कहीं ना कहीं अगेन फिर उसको इलीगल पर्पसेज के लिए भी यूज किया जाने लगा फॉर सपोज ड्रग ट्रैफिकिंग फॉर टेरर फाइनेंसिंग ऑल्सो सो इस तरीके से वी हैव इवन इन बैटिंग ऑल्सो वी हैव दोल एयर तो ये सारे एरियाज में ऐसे वी सॉ कीवन फॉरन करेंसी का भी यूसेज है तो काउंटर फीट करेंसी आने लग गई मार्केट में ओके ओके थैंक यू दिव्या सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस ऑन यू कैन अंसरकारी